अभी हम लोग बात करेंगे ग्राफ इन फिजिक्स, फिजिक्स में ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक ग्राफ जो है टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो है टेबल के फॉर्म में जो डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे कैसे बेहतर है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास एक टेबल है और एक ग्राफ जो होता है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को देता है। वो टाइम टेम्परेचर हो सकता है, डिस्टेंस टाइम हो सकता है, एज एजुकेशन हो सकता है, किसी भी दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को ये बताता है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा लिए हैं जिसमें टाइम है और डिस्टेंस है। ओके, और ये टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है उसको ग्राफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आप देखिएगा कि 1 आवर में, मान लीजिए 1 बजे टाइम है, उस समय कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कैप्चर किया है, 2 घंटा बाद 20 किलोमीटर, 3 आवर बाद 25, 4 आवर बाद 50। ओके, ये हम एक टेबल ले लिए, 1 घंटा में हमने रीडिंग ले लिया डेटा का, 2nd आवर में, 3rd आवर में, 4th आवर में, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, और इसी डेटा का हमने यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। ओके, सेकंड ग्राफ है और ये टेबुलर फॉर्म है। और इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 130 में वो कितने डिस्टेंस पे गया है, कोई कार के मोशन की ग्राफ हो सकती है या कोई पर्सन होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि 130 में यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट नहीं है। ये 2 बजे है, फिर 230 में पूछेंगे या 215 में पूछेंगे तो आप डेटा नहीं बता पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया है। लेकिन जब इस डाटा का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो एक रेगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये रेगुलर डाटा का रिप्रेजेंटेशन देगा जिसमें आप किसी भी टाइम पे इसके डिस्टेंस को बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे 130 में आप नहीं बता पा रहे हैं कितने डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे 1 बज रहा है, ये बीच में 130 आएगा, तो यहाँ से आप सीधे वर्टिकल जा करके यहाँ आप डिस्टेंस बता सकते हैं। तो इस टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डिफरेंस है कि आप यहाँ पे किसी भी टाइम पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये रेगुलर फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा दिया है जिस टाइम पे उसी को बता सकते हैं। तो टेबल वाले डेटा और ग्राफ वाले में मेजर डिफरेंस है, ये एक रेगुलर फॉर्म है, आप किसी भी टाइम पे डिस्टेंस को इस ग्राफ से टेकअप कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जैसा कि ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक कि ये जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्मली है, यानी कि इक्वल इंटरवल टाइप में इक्वल डिस्टेंस कैप्चर कर रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि एट्रेंडम बहुत तेजी से स्पीड बढ़ा है, यहाँ से बता रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट आपको 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाकर रुका हुआ है। तो एक झलक ग्राफ देखने के बाद आपको बहुत सारे डेटा ऑब्जर्व हो जाते हैं, बहुत सारे डेटा प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा उसमें लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर टाइम के लिए एक वैल्यू को रीडिंग लेना पड़ेगा, ये इससे ज्यादा अट्रैक्टिव भी होता है। ओके, इसीलिए हम फिजिक्स में टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा से बेहतर है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लेंगे। ओके, दूसरी चीज यहां से यहां तक आपको पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन है, यहां से स्पीड एट्रेंडम बढ़ी है, ये बता रहा है कि रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। ओके, इतनी सारी डेटा आपको एक झलक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से बेहतर होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे इससे हम लोग एक चीज और पता कर लेंगे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, टी टाइम को डिनोट करता है, तो इसका स्लोप से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है, कहने का मतलब है कि 1 आवर के बाद देखिए यहाँ से गए और यहाँ सामने आए, तो 1 आवर के बाद डिस्टेंस कितना गया है 10 किलोमीटर, फिर 2nd आवर के बाद भी डिस्टेंस 2nd आवर के बाद 20 किलोमीटर, यानी कि फिर 10 किलोमीटर बढ़ा, टाइम 1 आवर बढ़ा, डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर बढ़ा, यानी कि ये यूनिफॉर्म जा रहा है। और यहाँ से आपको धीरे धीरे आप किसी भी टाइम यहाँ से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।